एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, आज मैं करने वाली हूँ अमेज़न कुर्ता सेट हॉल, या फिर आप कह सकते हो मीशो हॉल भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर से एक जो कुर्ता सेट मैंने लिया है वो मुझे मीशो में इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि वो भी मैंने इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। और जैसा कि आप सब जानते ही हो कि अभी नवरात्रि बस आने ही वाली है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नवरात्रि के लिए, और इसीलिए मैंने बहुत सारी फेस्टिव शॉपिंग की है, कुर्ता सेट्स लिए हैं, कुर्तीज लिए हैं जो कि एट द सेम टाइम पार्टी वेयर भी है और कंफर्टेबल भी है। तो आप यू नो घर में भी इजीली उसे कैरी कर सकते हो। आपने कहीं पूजा में जाना है या फिर किसी के घर आप जा रहे हो तो आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और बहुत सारे ब्राइट कलर्स मैंने ट्राई किए हैं इस बार, और मुझे एथनिक वेयर पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए आज मैंने ये सब लिया है और आज ये सब मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी मैंने लिया है वो सब कुछ अंडर 800 रुपीज़ है, 800 में कुर्ता सेट, तो सब कुछ अंडर 800 रुपीज़ है। और जो भी मैंने लिया है सबके प्रोडक्ट कोड्स या फिर जो लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब हम और वेट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम इन द नेम ऑफ भूमिका खुराना मेकअप, वहां पे मैं बहुत सारी मेकअप की वीडियोस डालती हूँ, डू चेक इट आउट। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर एक कुर्ता सेट मेरा इतना ज्यादा फेवरेट है, आई एम श्योर वो आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा, बट वो मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगी, तो आपने ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। तो आज की वीडियो का सबसे पहला कुर्ता सेट जो मैंने लिया है वो है ये, और ये येलो मस्टर्ड से कलर के अंदर है, और इसका जो ये कुर्ता है ना ये अनारकली स्टाइल के अंदर है। ये देखो, शॉर्ट कुर्ती है और ये ऐसे फ्लैट है, और ये पूरा अनारकली स्टाइल के अंदर है, और इसके यहाँ पे ऐसा वर्क हो रखा है जो आई गेस गोटा पत्ती वाला वर्क होता है ना, वो वाला यहाँ पे ऐसे वर्क हो रखा है। और इसके साइड में भी ऐसे नेक वाले में ही लेस लगी हुई है, और इसके 3/4 स्लीव्स आ जाते हैं, और इधर भी सेम लेस दी हुई है। बहुत प्यारा लगा मुझे ये, और ये पूरा फ्लोरल प्रिंट के अंदर है, और इसके यहाँ पे भी ऐसे लेसेस लगी हुई है, जैसे जैसे इसका फ्लेयर चलता है ना तो यहाँ पे ऐसे लेस लगी हुई है। बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ये मुझे, और यू नो फेस्टिवल्स पे ना थोड़े ब्राइट कलर, येलो कलर ऐसे ना बहुत प्यारे लगते हैं, और ये मुझे सच में बहुत प्यारा लगा, आप देखो। और 3/4 स्लीव्स हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, और ये कॉटन मटेरियल के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसके साथ में ये पलाजो आ जाता है, फ्लैट पलाजो है ये, नीचे से आप देखो इतना इसका घेर दिया हुआ है, और नीचे भी ऐसे लेस लगी हुई है, और ये भी बहुत कंफर्टेबल है। यू नो आप बैक का ही पलाजो या फिर पैंट्स ऐसे होते हैं जो बैठते हैं टाइम ना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बट ये बहुत कंफर्टेबल है, और इसके साइड में ये ऐसा दिया हुआ है, आप इसे टाइट कर सकते हो, इलास्टिक वेस्ट है इसका, और ये पूरा आप देखो अच्छा खासा फ्लेयर है, लेंथ भी एकदम परफेक्ट आ जाती है, काफ़ी अच्छी खासी इसकी लेंथ है, मुझे तो पूरा नीचे तक आता है, और अगर आपकी हाइट थोड़ी बड़ी है तो आपको थोड़ा ये ऊपर तक आएगा। और ये पहने हुए ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा एक तो ना कम्फर्टेबल लगा, और क्वालिटी इसकी जो है ना स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी है, राउंड नेक है इसका, कम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये वाला कुर्ता सेट मैंने लिया कुछ 750 to 800 रुपीज़ का, बहुत प्यारा लगा मुझे ये, और इसके अंदर एक रेड कलर भी था, बट मुझे ना फेस्टिवल्स पे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये लिया, और स्पेशली इसका जो ये गोटा पत्ती वाला वर्क है ना बहुत प्यारा लग रहा है, और बहुत ही नीट इसकी स्टिचिंग है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ऊपर से बहुत कम्फर्टेबल। और इसके अंदर मेरे को साइज लेना था M, बट गलती से मैंने L ऑर्डर कर दिया, तो बट फिर भी ना सही आ जाता है, ऐसे खुला खुला ना काफ़ी अच्छा लगता है, इसके साइजेस एकदम परफेक्ट हैं, तो आप अपने साइज के हिसाब से ही लेना, और क्वालिटी इसकी 10/10 बहुत अच्छा है।
पैटर्न प्रिंट है, फ्लोरल है और इसका यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं, मतलब पलाजो का थोड़ा अलग प्रिंट है और कुर्ते का अलग प्रिंट है, तो यू नो साथ में बहुत प्यारा लगता है। ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अगला कुर्ता सेट जो मैंने लिया है वो है ये, और ये ग्रीन कलर के अंदर है। मैं कुछ भी शॉपिंग करूँ और उसके अंदर ग्रीन कलर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये है मेरा अगला कुर्ता सेट, और ये ऊपर की जो शर्ट है वो है कफ्तान स्टाइल के अंदर। ये देखो, फेस्टिवल्स पे ना ऐसे थोड़े बहुत यू नो शाइन वाले या फिर फॉयल प्रिंट्स बहुत प्यारे लगते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया। और ये कफ्तान स्टाइल के अंदर है, थोड़ा बहुत चेंज ना अच्छा लगता है कभी कभी, और मैंने कभी ऐसे कफ्तान स्टाइल कुर्ता सेट्स नहीं पहने और कफ्तान्स भी नहीं पहने हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया। और ये पूरा यहाँ पे ना सिल्वर कलर का फॉयल प्रिंट है और यहाँ पे इसका इलास्टिक दिया हुआ है बेसिकली, ताकि आपकी बॉडी को ना एक अच्छी शेप मिल जाए। और इसके ऐसे यहाँ पे स्टिचिंग हो रखी है, बहुत प्यारा ये मुझे लगा। और इसका नेक है राउंड नेक, और ये भी ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा मटेरियल है और नीचे ऐसा प्रिंट है इसका, बहुत अच्छा लगा ये मुझे, बहुत कंफर्टेबल है, काफ़ी यू नो कूल मटेरियल है और क्वालिटी ना इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत प्यारा मुझे लगा। और इसका ना फॉयल प्रिंट ऐसा वो गंदा वाला नहीं है जिसके अंदर ऐसे यूँ लाइंस पड़ जाती हैं या जिसके अंदर क्रैक्स होते हैं, काफ़ी फाइन इसका जो प्रिंट है वो हो रखा है, और ना क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और प्रिंट जो है ना वो बहुत ब्राइट है, ऐसे लाइट में ना बहुत ऐसे शाइन देता है, आपको दिख रहा होगा। ऐसे यहाँ पे फ्लावर्स के साथ में एलिफेंट प्रिंट है, काफ़ी अच्छा लगा ये भी मुझे। और इसके साथ में ये पैंट आ जाती है, पैंट एकदम प्लेन है, ऊपर का पूरा वर्क वाला है तो पैंट ना प्लेन ही अच्छी लगती है, और बस नॉर्मल पैंट है। पैंट भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है और इसका आगे से कोई इलास्टिक नहीं है, बस यहाँ पे ये बैंड है और पीछे के साइड में इलास्टिक दिया हुआ है ताकि यू नो कंफर्टेबल रहे, तो आपको अगर साइज़ ऊपर नीचे भी है ना तो भी एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक दिया हुआ है। और ये मैंने साइज लिया है, ये मैंने साइज लिया है स्मॉल, और ये वाला जो कुर्ता सेट है ये मुझे पड़ा कुछ 750 या फिर 790 का, ऐसा ही कुछ था, 790 का था आई गेस, बट क्वालिटी ना इसकी बहुत अच्छी है इतने प्राइस में, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा। था जो यहाँ से ना मतलब वेस्ट लाइन से पूरा एम्बेलिश्ड था, तो जो न्यूली वेड्स हैं वो लोग ज़रूर उसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और स्पेशली जो न्यूली वेड्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा वो प्यारा लगेगा, तो आप ज़रूर वो वाला कलर चेकआउट कर सकते हो। तो अगला कुर्ता सेट जो मैंने लिया है वो है ये, और ये ऑरेंज कलर के अंदर है, और इसके साथ में कुर्ता आता है, दुपट्टा आता है और साथ में ये पलाजो भी आता है। तो इसका जो ये कुर्ता है ये भी अनारकली स्टाइल के अंदर है, आप देखो प्रिंटेड है पूरा, और इस पर भी सारा ही फ्लोरल प्रिंट है, और ये देखो इसका नेक का डिज़ाइन ऐसा है, पूरी ऐसी ये वाली लेस लगी हुई है, लेस की क्वालिटी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो चीप वाली जो लेस आती है ना वो नहीं लगी हुई है, ऐसी लेस लगी हुई है और ऐसे बॉर्डर लाइन पर भी लेस लगी हुई है, और ये पूरा फ्लोर लेंथ है, फ्लोर लेंथ से ना थोड़ा सा ऊपर मतलब, बट नीज से नीचे है, और ये नीचे से आप इसका घेर देखो कितना ज़्यादा है, पूरा ऐसे यूँ फ्रॉक स्टाइल लगता है, ये देखो, और नीचे भी ऐसे लेस लगी हुई है, बहुत प्यारी लगती है ये। और ऐसे ऑरेंज कलर भी ना पूजा के अंदर नवरात्रि के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये भी 3/4 स्लीव्स आ जाती हैं और स्लीव्स पे ऐसा ही सेम लेस वर्क है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फिटिंग भी एकदम प्रॉपर आती है, और ये भी कॉटन मटेरियल के अंदर है, और इसके यहाँ पे ना इसे आपको आई डोंट नो कि फोटो में मतलब वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं, बट यहाँ पे ऐसे ही इसके प्लेट्स बने हुए हैं, तो फ्लो ना उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है और बहुत प्यारा लगता है ये पहने हुए।
इसके साथ में इसकी ये पैंट आ जाती है और ये इतनी है, मतलब इसका नीचे से इतना है और ये पैंट है। ये भी कॉटन मटेरियल के अंदर है। इनका प्रिंट भी ना अलग अलग है, मतलब कुर्ते के अंदर फ्लोरल प्रिंट है और इसके अंदर ऐसे यूँ अलग एक छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इलास्टिक वाली वेस्ट है इसकी, तो यू नो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। बैठने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये वाली पैंट। और इसके साथ में ये दुपट्टा आ जाता है ऑरेंज और रेड कलर का, और इसके एजेस पे भी लेस लगी हुई है। और ये वाला कुर्ता सेट मैंने लिया 850 to 900 का, 900 का था अप्रॉक्स, बट 900 में ना क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके साथ में दुपट्टा भी मिल जाता है, तो यू नो अच्छा रहता है क्योंकि पूजा के अंदर कभी कभी दुपट्टा भी सर पे लेना पड़ जाता है, तो बहुत प्यारा लगता है। और एक तो इसकी फिटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी आती है और मटेरियल भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी 10/10 है बिल्कुल। और ये मैंने साइज़ लिया है स्मॉल साइज़ लिया है, फिटिंग एकदम प्रॉपर आती है। आप बिल्कुल अपने साइज़ के हिसाब से एक्यूरेट लेना क्योंकि फिटिंग बहुत परफेक्ट है इनकी। पर्पल कलर के अंदर है ये, इसकी पैंट आ जाती है। और मैं बताती हूँ मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट क्यों है, क्योंकि आप इसका ये वाला ये डिज़ाइन देखो, ये इसके पैंट के नीचे का डिज़ाइन है और एंड में ऐसा स्टिफ वाला मटेरियल यूज़ हो रखा है ताकि यू नो पैंट को ना एक अच्छी शेप मिले। ये देखो ऐसा अंदर ना कुछ लगा हुआ है इसके, जिसकी वजह से इसकी शेप इतनी कोई प्यारी आती है ना। और आप देखो ये वाला पैटर्न कितना ज़्यादा यूनिक और प्यारा है। और एक तो ये कलर ना आजकल, एक तो पर्पल कलर ना बहुत प्यारा लगता है फेस्टिवल्स पे, या फिर मैंने तो देखा बहुत लोग लहंगे वगैरह भी पहनते हैं ऐसे पर्पल कलर के, बहुत सुंदर लगते हैं और सारे ही स्किन टोन पे पर्पल कलर बहुत प्यारा लगता है। और ये इसका कुर्ता है और कुर्ते का जो नेक है वो वी नेक है, बट इस पर भी ना ऐसा ही सेम डिज़ाइन बना हुआ है जैसा कि उसका पैंट का नीचे से था। और इसके 3/4 स्लीव्स हैं और ये वाला ही सेम पैटर्न, और जो नीचे की तरफ से है वो भी यही वाला डिज़ाइन देखो। इस डिज़ाइन की वजह से ना ये वाला कुर्ता सेट मुझे इतना प्यारा लगा और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। वो जो सिल्क वाला कुछ मटेरियल होता है ना, वैसा मटेरियल है, साटन सिल्क वाला जो मटेरियल होता है आई गेस वैसा मटेरियल है, बट ये ना बहुत कंफर्टेबल है, ऐसे अंदर से चुभता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अंदर से इसका कोई सॉफ्ट मटेरियल लगा हुआ है तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। और ऐसा नहीं कि इसके अंदर गर्मी लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसकी। और ये इतनी साइज, इतने लेंथ का ये कुर्ता है। मुझे ना इसके अंदर थोड़ा बड़ा साइज़ लेना था, मुझे थोड़ा खुला खुला पसंद है कुर्ता सेट्स, बट मैंने स्मॉल साइज़ ही ले लिया गलती से। और पैंट भी ना एकदम परफेक्ट आती है, पैंट भी इलास्टिक वाली है इसकी, तो बहुत कंफर्टेबल रहेगी। और फिटिंग भी ना एकदम परफेक्ट आती है इस पैंट की, ऐसा नहीं कि बैठने में कोई दिक्कत होती है या ऐसा कुछ। और इसमें और बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, ग्रीन था, मरून था और एक और कोई कलर था, सारे ही बहुत प्यारे थे, बट मुझे ना पर्पल कलर लेना था क्योंकि बहुत ब्राइट लगते हैं ऐसे कलर। या आप डे टाइम में भी इजीली पहन सकते हो और रात में भी पहन सकते हो, और इसके साथ में आप कोई ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या फिर यू नो डायमंड की ज्वेलरी आप इसके साथ पेयर करो तो बहुत प्यारा लगेगा और बहुत ही एक प्यारी लुक आएगी। और ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और ये मैंने साइज़ लिया है स्मॉल, फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है, तो आप अपने साइजेस चेक कर लेना। और ये वाला कुर्ता सेट मैंने लिया है मीशो से, अमेज़ॉन में नहीं था ये मैंने मीशो से लिया, बहुत प्यारा लगा ये मुझे। और ये वाला कुर्ता सेट मैंने लिया कुछ 650 या फिर 690 का, इतना कुछ था, 650 690 के बीच में ही था कुछ, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे।
टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इन द नेम ऑफ भूमिका खुराना मेकअप। वहां पे मैं बहुत सारी मेकअप की वीडियोस डालती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।